हेलो हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों को नमस्कार। द सोलर ड्रिफ्टर की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम घूमने जा रहे हैं अपने छोटे नाले की ओर, लोकल नाला। आज हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, तो इसके बाद मुझे लगा थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए। घर बैठे बैठे भी बोर हो गए, तो फिलहाल मैं आपको आगे का नजारा दिखाता हूँ। ये देखिए, आज मौसम थोड़ा बारिश हुई है, तो इस करके मौसम ठंडा हो गया, हल्का फुल्का ठंडा, और थोड़ा विजिबिलिटी भी अच्छी है। नहीं तो यहाँ कांटे भाई, ये पानी तो छही ना इस नदी में। अच्छा कितने चाहिए यार पानी, छही ना। इधर जाएंगे हम नीचे, फुल क्रॉस नहीं करेंगे, वो लोहे का बोलो। जाओ जरा हिला के दिखाओ, बीच में जाओ जरा थोड़ा और आगे, हिलता है। हाँ, तो नाली के साथ साथ हम आगे तक जाएंगे थोड़ा। चलो उधर नाली को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे अगर आप सीधा निकल जाएं तो आप पहुंचते हैं डेंटल कॉलेज मेन रोड के पास, और यहां से हम लोग नाले के लिए उतरे। दोस्तों ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये है साथ में एक छोटा सा घाट है, यानी पंचकी। इसका मैंने एक छोटा वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो इसे जरूर देखिए। और ये है घाट का पानी, अभी फिलहाल घाट बंद है, तो उन्होंने पानी को यहाँ डाइवर्ट कर दिया नदी की ओर। और देखिए, अच्छा किसी का थोड़ा पानी कम था नदी में, यहाँ से पानी मिल गया तो नदी में पानी भी बढ़ गया आगे। कहाँ चला ये तिम्रो नेपाल में? यस तो घाट है, यस तो इससे बड़ा। अच्छा इससे बोलो, नेपाल में बहुत बड़ा टैंक है, टैंक ये थोड़ा फुल टैंक है, तो जैसे मानव बड़ी होती है उससे थोड़ा सा इस साइड को ना। ये देखिए दोस्तों, मानव खोपड़ी पत्थर है, सीरियसली मत लेना इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पत्थर बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी पत्थर की मिट्टी बन गई है। पहले इसमें कंप्यूटर में डालूंगा, फिर उसमें गाना वगैरह लगा के ना साथ में। किसका घर पे? अच्छा अच्छा कोई तो नहीं आया था, मैं वो तो मैं और जगह गया था।
पानी बहुत गंदा हो गया। लगभग 2 महीने के बाद बारिश हुई अभी, तो इतना भी कचरा है सब पानी में बह चुका है सब। तक अभी हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं और फिलहाल हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है ठंडा मौसम। हमारी तबियत आने की मेहनत भी सफल हो गई, बारिश लग जाता है, बारिश हो जाता है। शूनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में मैं एक दिन यहाँ पर जा रहा था ना, यहाँ पर आज मैं गिर गया। मैं दिखाता हूँ, हाँ मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ गिरा
हमारे वहाँ भी ऐसी है, ऐसी है ना। अच्छा अच्छा किसमें, बस में? तुम कितनी बार गए नेपाल को? नहीं तो तुम कितनी बार गए? अच्छा छोटे, जब तुम बिल्कुल सियाना थे तब? अच्छा अच्छा तब जा गए थे, फिर तो बहुत पुरानी बात है, तब तो तुम्हारे को याद भी नहीं होगा। उफ, पसीना पड़ चुका है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ब्लॉगिंग इतनी आसान है? बहुत पसीना बहाना पड़ता है। ये देखिए रास्ते में कांटे, रास्ते में आपको कांटों का सामना करना पड़ेगा, और कांटों का, बारिश का, तूफान, बर्फबारी, गर्मी, सर्दी, हर मौसम का पार करने के बाद तब जाके आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं। और मेरी तो जस्ट एक शुरुआत है अभी, तो काहे का ब्लॉगर, मैं तो ऐसे ही घूमने फिरने निकला हूँ। ओहो, लेंस पे पानी गिर गया। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं। बस नीचे हम ऊपर चलते, अब इधर रास्ता किधर है, किधर चलो।